नमस्कार, वी एक्सपर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। पेश है दिन भर की खबरें। दिन भर की खबरें की बुलेटिन में हम कई बड़ी और अहम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज की खबरों में हम बात करेंगे अयोध्या पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचने के बाद कई ट्रेनों और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने खुद के मोबाइल से खींची खुद की सेल्फी। वहीं वाराणसी में आगामी 9 वर्ष को देखते हुए कमिश्नरेट का दिखा हाई अलर्ट। लेकिन इन सारी बातों पर, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम के आदेश अनुसार जनपद वाराणसी में कड़ाके की ठंड एवं घने कोहरे व शीतलहर में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों में 6 जनवरी तक रहेगा अवकाश। बलिया में नौकरी और आवास देने के नाम पर ठगी करने वाले नेताजी को महिलाओं ने डीएम कार्यालय के सामने ही पीट दिया। 31 दिसंबर नए साल के जश्न के रंग में ना पड़े कोई भंग, वाराणसी पुलिस ने की है खास तैयारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के भक्त विलुप्त हुए गिद्ध राज जटायु पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के भक्त पहुंचने लगे। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। उसके बाद पीएम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी उद्घाटन किया। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब तक की सुर्खियों के बाद अब हम रुख करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी खबरों में आपको बता दें कि नए वर्ष को देखते हुए आगामी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके चलते जगह जगह गश्त करती हुई नजर आ रही है। आज पीएम मोदी पहुंचे अयोध्या और अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भव्य उद्घाटन किया। अयोध्या में कड़ाके की ठंड और अयोध्या वासियों का हौसला न डिगा सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार को समूची अयोध्या उमड़ पड़ी। रामनगरी में अभूतपूर्व स्वागत से अभूतपूर्व नरेंद्र मोदी ने भी शीश झुकाकर अयोध्या वासियों का अभिवादन किया। आलम ये रहा कि मोदी की मुस्कान पर फिदा रामनगरी ने गुलाब की पंखुड़ियों संग उनका स्वागत किया और मोदी मोदी की गूंज से अयोध्या को गुंजयमान कर दिया। रास्ते में लगे फूलों की खुशबू में भी आज अलग ही महक थी, क्योंकि अयोध्या के पुनर्विकास के नायक खुद यहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अलग ही उमंग अयोध्या वासियों के मन में थी। बच्चों हो या बुजुर्ग, महिलाओं हो या युवतियां, सभी पीएम मोदी की एक झलक पाने को आतुर दिखी। धर्म पथ से लेकर राम पथ होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने के दौरान बच्चे भी जय जय श्री राम के साथ मोदी मोदी की गूंज कर रहे। पीएम मोदी ने भी बच्चों को निराश नहीं किया, वो भी यहां के लोगों का अभिवादन करते रहे। रोड शो में पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान रही, जिसने समूचे अयोध्या वासियों का दिल जीत लिया। मोदी की मुस्कान पर फिदा अयोध्या में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। अयोध्या की सड़कों पर मोदी का यह स्वागत और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसके बाद मोदी जब आएंगे तो रामलला को उनके दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। लता चौक पर साधु संतों ने की पुष्प वर्षा। यूं तो पूरे रोड शो के दौरान पीएम पर जोरदार पुष्प वर्षा हुई, लेकिन लता चौक पर भी साधु संतों ने पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की और उन्होंने आशीर्वाद दिया। बता दें कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद के मोबाइल से ली खुद की सेल्फी। वहीं पीएम का अयोध्या दौरा है और अयोध्या दौरे के दौरान पीएम ने अमृत भारत ट्रेन में बच्चों, वहीं अयोध्या में पीएम का भारी रोड शो में एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से हाईवे पर निकले पीएम, वहीं साइड खड़े लोगों का। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।